निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में हमें सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से कई स्टॉक ऐसे भी है जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, और हम ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में या तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस स्टॉक के बारे में। देखिए मार्केट कैप 3229 करोड़, काफ़ी कम है मार्केट कैप। स्टॉक का पी 8.19, मतलब काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, काफ़ी फेयर प्राइस पर मिल रहा है हमें। ROCE और ROE की बात करें तो 20 से ज़्यादा है, मतलब इसे भी हम पॉजिटिव पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। डेप्ट की बात करें तो 2.73 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.00 देखने को मिल रही है। इसका मतलब है बिल्कुल भी कर्ज नहीं है कंपनी पर, ये भी एक प्लस पॉइंट मान के चल सकते हो। इसके बाद भी डिविडेंड स्टॉक अच्छा पे कर रहा है, और प्रमोटर ने भी अपना स्टेक प्लेज में नहीं रखा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी के पर रिजर्व 1202 करोड़ के हैं, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है कंपनी के पास। कंपनी के प्रो यानी अच्छाई की बात करें तो कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 67.35% के CAGR से पिछले 5 सालों में दिखाई दे रही है, और ROE पिछले 3 सालों में 51.94% का दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी के अच्छी बात है। और कंपनी में कॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, जो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट की बात करें तो कंपनी सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ाती जा रही है। अगर कंपनी ऐसे ही अपने सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाते जाएगी तो सेल प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये देखिए 2017 में 711 करोड़ के सेल्स थे, प्रॉफिट 6 करोड़ का, जो बढ़कर 2021 में 1967 करोड़ और प्रॉफिट 571 करोड़ मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी में। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, जबकि FIIs ने, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपना स्टेक कम किया है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड को अपने रिटर्न्स कंसिस्टेंट रखने रहते हैं, जिसके लिए वो बड़ी बड़ी कंपनी में ही अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, छोटी कंपनियों में ना कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी शेयर होल्डिंग काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, जिसको हम नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी में एक भी नेगेटिव न्यूज़ आई तो सबसे पहले रिएक्ट पब्लिक करती है, वो अपने शेयर को बेचने लगती है और शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आ सकती है। तो अगर किसी में पेशेंस है वही इस कंपनी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि काफ़ी वॉलीटाइल हो सकता है पब्लिक की ज़्यादा होल्डिंग के कारण। तो आइए देखते हैं कंपनी का नाम और उसकी चार्ट पैटर्न। तो ये देखिए कंपनी का नाम है आई ऑयल केमिकल। केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत से लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दिए है, और काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है केमिकल सेक्टर को। तो आप देख सकते हो कंपनी की शेयर प्राइस, और RSI की बात करें तो वो भी 50 के नीचे आपको जाते दिख रहा है। तो अभी शेयर में फियर देखने को मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहता है, जो फियर जोन में इन्वेस्ट करता है।
और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है। शेयर के प्रॉफिट और सेल्स में कंसिस्टेंसी होने के कारण ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी तेज़ी में जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो अपना कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करके आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हो और आप अपनी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो इस स्टॉक के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दें। थैंक यू।